स्लैब सिस्टम को जब तक ठीक नहीं करेंगे आप जो है ना आवाम का बेड़ा गर्क किए जा रहे हैं और बिजली के बिल की वजह से आपकी हुकूमत का बेड़ा गर्क हो रहा है। स्लैब सिस्टम को जब तक करने पे मजबूर होगा सब स्लैब एक ही कर दें, सब स्लैब हटा दें। सर जिस तरह पहले था तब से ये प्रोटेक्ट नॉन प्रोटेक्ट आया, आवाम पे बहुत बड़ा बोझ है। 100 तक ये 200 तक ये 300 तक ये जो स्लैब प्रोटेक्ट नहीं होता है कि 200 का बिल में खत्म कर दिया गया वैसे चल रहा। नहीं आप सवाल करें ना, सवाल कर रहा हूं कि आपका स्लैब सिस्टम इतना गलत है कि जो 200 यूनिट इस्तेमाल करता है उसके लिए तो है 8 रुपए और 13 रुपए, और जो 201 यूनिट यूज करता है उसके लिए 27 रुपए हो जाता है। तो स्लैब छह महीने तक वो 27 रुपए। आप तकरीर क्यों कर रहे हो यार, चुप करके बात सुनो ना। सुनो आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए, मेरे साथ खड़े हो, हम एक हैं। आए तजवीजें आ रही है इधर से सवाल, मैं बोल लूं, अब मैं बोल लूं, आप उधर से तजवीज है इधर से सवाल ले ले। आप सवाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सूरत हाल चले वो तो जब आप सिस्टम बना लेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये कि बिल के ऊपर जो एक इमरजेंसी नंबर या एसडीओ का नंबर होता है वो तक अटेंड नहीं होता, कम अज कम पहले फेज में वो तो कम से कम अटेंड यार मुझे शाबाश दो ना, नहीं अटेंड हो रहा, नहीं शाबाश दो ना कि इसी चीज को रिकॉग्नाइज करके कस्टमर केयर को पहली प्रायोरिटी रखा ना। अब आपका जवाब दे दूं, एक सेकंड, पहले इनका जवाब दे दूं। आप स्लैब जो बात कर रहे हैं आपके फॉर्मूले में स्लैब कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा, उसे एक यूनिट ऊपर या नीचे फर्क होगा। पहले वाला ठीक था स्लैब, अब प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड वाला स्लैब जो है वो आवाम दुश्मन स्लैब है। मैं अपनी कंपनी को कहूंगा कि आपको बुला के स्लैब्स के ऊपर थोड़ा ब्रीफ कर सर, ये कर पाए कि आईपीपी को रिवाइव करने की बात हो रही है, इज इट पॉसिबल? शिकायत दर्ज हो जाती है बट लेकिन अमला ना होने की वजह से एक शिकायत को दूर करने के लिए 28 घंटे लगते हैं। इंशाल्लाह उसी को बेहतर करेंगे, उसी को बेहतर। आईपीपी से मुआहदे रिवाइव करने की बात हो रही है, इज इट पॉसिबल? यस पे बात हो रही है। आईपीपी IBPs के जो मुआहदे हैं, IBPs के मुआहदे जी बाहमी इत्तफाक से ही उन मुआहदों के अंदर अगर कोई तब्दीली आएगी और जो भी कंडीशंस होंगी वो पाकिस्तान के मुल्क के कवानीन के मुताबिक, पाकिस्तान की जरूरत के मुताबिक और हर चीज के मुताबिक होगा। सर बिजली का काम है तो सर बिजली के बिल पर 1000 रुपया फिक्स कर दिया गया है, 1000 किया गया बिजली के बिलों पर, क्या कहेंगे उसके इंतखाब के साथ? दूसरा खेल में जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर बिजली के खान के साथ है जो बिल पे 1000 का फिक्स किया गया है उसको क्या कहेंगे? ये मुल्तान की प्रेस कभी ऐसे होती नहीं थी, तो कभी एक सवाल ले लें, आपस में तो सबर कर लें। एक खातून सवाल कर रही हूँ, मैं आपको ये कह रही हूँ कि इस साल जो है लोड शेडिंग ना होने के बराबर है, इसके लिए आपको जो है ना मुबारकबाद देती हूँ। शुक्रिया। अब आप मेरे सवाल, मेरे बिल का पूछ रहे थे, इधर आओ, आ जाओ, मीटर आ गया, आ गया, आ गया, इस पर क्या कहेंगे आपने? गुड गवर्नेंस से अच्छा, मेरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पीटीआई को तो दिखाओ अपने आप को। सुनो, मेरा बिल इस महीने, मेरे 8 ट्यूबवेल हैं, मेरा 32 लाख रुपए का बिल है, आपने पे करना है उसको? मैं करा दूँ, प्लीज करा दो। वो ये थी कि हुकूमत पंजाब ने अपने ही इनिशिएटिव के ऊपर खुद हिम्मत करके और 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फीन को 14 रुपए फी यूनिट, जो तकरीबन 30% बिजली की कीमत की बनती है, उसका एक रिलीफ दिया है हुकूमत पंजाब ने। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारा इदारा इस इतनी बड़ी रियायत को किसी भी सूरत में गलत तरीके से इस्तेमाल करके सार्फीन को उसके पूरे हकूक ना पहुंचाने की गलती ना करें। इसलिए हमने आके सेक्रेटरी साहब और मैंने, बोर्ड के चेयरमैन साहब भी थे आमिर ज़ाह साहब, बोर्ड के मेंबर्स भी थे और पूरी इंतज़ामिया थी, उनको सख्ती से ये इस बात की हमने हदायत की है कि इसमें एक यूनिट की भी गलती काबिले बर्दाश्त नहीं होगी,
इस रियायत को पूरी तरीके से हर गरीब और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के तनख्वाहदार तबके तक पहुंचाया जाएगा, ताकि उनको उसका हुकूमत पंजाब का जो इतना बड़ा 45 अरब रुपए तक का जो रिलीफ है वो हर कस्टमर तक पहुंचे। तो इन्हीं इसी हदफ के साथ हम आज आए, डेढ़ दो घंटे हमारी तफसील के साथ मीटिंग हुई, अभी हम फैसलाबाद जाएंगे और अगले दो या तीन दिनों में हम पंजाब और इस्लामाबाद की तमाम कंपनीज को पूरा एक विज़िट करेंगे, जिसके बाद सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की कंपनीज के अंदर भी अगले एक से डेढ़ हफ्ते के अंदर हमारा ये ट्रिप पूरा होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज का जो सेक्टर है ये बहुत अहम है, यहाँ तकरीबन 500 से 600 अरब रुपए सालाना का नुकसान होता है। अब हम न सिर्फ इसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, बल्कि जब तक प्राइवेटाइज नहीं होता इस नुकसान को कम से कम करना हमारा एक मुल्क का एक फ़र्ज़ है और एक हमारा एक मुल्क का एक मिशन है जो वज़ीर आज़म की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जिसको हम पूरा करें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप आए और बात सुनिए। हम लोग हर चीज़ को चेक करें। पिछले 3 महीने में जो काम हमारी वजारत में हुआ है वो पिछले 75 साल में नहीं हुआ। हम IPPs को देख रहे हैं, हम जनरेशन की कैपेसिटी को देख रहे हैं, हम ट्रांसमिशन के अंदर कमी कहाँ हो सकती है, डिस्कोस के अंदर चोरी कम करने से उसका फ़ायदा लोगों को किस तरह पहुँचाया जा सकता है। हम चीन के साथ बात करें, हम चाइनीज़ IPPs के साथ हुकूमत के ज़रिए बात करना शुरू हो चुके हैं, जहाँ उनके जो कर्ज जात की जो जी अदायगी है उसकी डेट रीप्रोफाइलिंग वो क्या रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट यही होती है भाई, आपको क्या पता कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है। कैपेसिटी आपका जवाब नहीं है उनका जवाब, पहले उनका देना। कैपेसिटी पेमेंट होती क्या है? कैपेसिटी पेमेंट वो जो जी कर्जा जात हैं जो लिए गए थे IPPs की तरफ से या हुकूमत की तरफ से उन प्लांट्स को लगाने के लिए, उसकी अदायगी, उसका इंटरेस्ट रेट, उसका रिटर्न ऑन एक्विटी, इसको कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट। इस कैपेसिटी पेमेंट रुपए की कीमत कम होने की वजह से दुगनी या 3 गुना हो गई। इस कैपेसिटी पेमेंट को कम करने के लिए हम IPPs जो अभी मैंने पहले कहा, जिसका आपने सवाल एक और कर लिया, इससे पहले जवाब दे चुका हूं मैं इसका, उसी के अंदर हम उसको स्टडी करके और तमाम चीज़ों को स्टडी करने के बाद उसके अंदर कमी करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही आपका शरह सूद कम हो रहा है, जैसे ही आपकी रुपए की कीमत स्टेबलाइज हो रही है, उसका भी कैपेसिटी पेमेंट्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, जो आइंदा एक साल के अंदर अंदर आपको बिजली की कीमतें बहुत कम होने के अंदर दिखाई देगी। सवाल ये है कि रिकवरी को अपग्रेड करने के लिए और लाइन लॉसेस को कम करने के लिए अगर कंपनियों में आप सियासी शासनदानों माफिया के लोगों को ये जो ट्रांसफर ऑर्डर होते हैं अफसरान के, अगर आप इनके बंद करवा दें, चेयरमैन आपका सवाल है यदि तजवीज़ है, तजवीज़ नहीं है, अगर ये सवाल होगा तो रिकवरी भी अपग्रेड जाएगी, तो बादलों पे अगर ये पाबंदी आ जाए। बहुत सर, मैं एक सवाल का जवाब दे दूं, एक सेकंड नहीं, आप अलग कीजिएगा सवाल। देखिए, जो आपने सवाल किया, आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड्स के अंदर एक भी सिफारिश के साथ बोर्ड का मेंबर नहीं लगा। इसकी हमने बुनियाद रख चुके हैं। मेरे दफ्तर से पिछले 6 महीने में एक SDO या लाइनमैन के तबादले की सिफारिश नहीं की गई। हमारे पास पॉलिटिकल या जर्नलिस्ट कम्युनिटी या जजेस या पॉलिटिशियंस या किसी भी हल्के से ताल्लुक रखने वाले लोग की कोई सिफारिश मेरी वजारत के अंदर एक्सेप्टेबल है ही नहीं। जो सिफारिश करेगा उस अफसर के साथ उल्टा होगा। ये आपकी गलत इंफॉर्मेशन है, आप इंफॉर्मेशन आइंदा ठीक किया करें। सिर्फ मैपको के रीजन में
15.6 या 7% चोरी है, उसको ख़त्म करना हमारा फ़र्ज है। और उसी चोरी का इस साल का हदफ तकरीबन 40% जो पिछले साल चोरी हुई थी उसको कम से कम 40% से कम करना इस कंपनी ने अपना हदफ रखा है और हम इस बात से बहुत खुश हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि इस हदफ को पूरा करने के लिए उनको फ्री हैंड देंगे। जिस तरह कंपनी ने जिसको नौकरी से निकालना है, जिसको रखना है, किसको कितनी तरक्की देनी है, किसको कितना पीनलाइज करना है, ये हमारी कंपनीज का और इनके बोर्ड्स का मुकम्मल इख्तियार होगा। हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट वो जिस कीमत में भी मिले हम लेंगे। सर, आपका हल्का ट्रांसमिशन लाइन जो है मैपुर रीजन की बड़ी कमजोर है, ट्रांसमिशन लाइन के हवाले से क्या कहनी है? लाइन ऑफिस की बात करें, आपका हल्का इंतखाब जो है जिसके अंदर ज्यादातर जो है फोर्ट मंडू और दूसरे इलाके आते हैं, उसका भी जरा बताइएगा कि वहाँ पे लाइन लॉसेज की क्या सोच है। लाइन लॉसेज वहाँ 5 फीडर ऐसे हैं जहाँ 80% से ज्यादा लाइन लॉस है और उन फीडर पे मेरे कहने के ऊपर 2 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दी जाती। जो पूरे मुल्क के अंदर पैमाना है वो वजीर के हल्के का पैमाना है और मुझे इस बात के ऊपर फख्र है और हम लोग गुड गवर्नेंस करने ही आए हैं। और इन जो तमाम आपका इन कंपनीज के मुतालिक जो बयान है वो तमाम चीज़ें 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। मैंने शुरू में कहा कस्टमर केयर, जब आप फ़ोन करोगे कि मेरी बिजली नहीं है तो आपको जवाब मिलना चाहिए कि कितनी देर में बिजली आएगी और बिजली ठीक होनी चाहिए। ये तमाम कस्टमर केयर, तमाम बिलिंग के इश्यूज़, तमाम वो ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये कंपनी फोकस करे। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना